कवाली हो रही है। तो गाइज ये है इमाम साहब की दरगाह, अंदर से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको दरगाह की ग्रिल में पेपर टंगे हुए दिख रहे हैं और पेड़ पर भी बहुत सारे बंधे हैं, ये सारी अर्जियां हैं जो लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और अर्जियां लिखकर चले जाते हैं, और बाद में जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वे दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं और गरीबों में खाना बांटते हैं। दोस्तों हमने ज़ियारत कर ली है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं किलकली शाह की दरगाह पर। चुके हैं हजरत किलकली शाह की दरगाह में, देखिए यहाँ पर आप लोग दोस्तों किलकली शाह की दरगाह पर हम भी पहली बार आए हैं। नहीं अभी नहीं। देखिए यहाँ भी पेड़ पर बहुत सारी अर्जियां बंधी हुई हैं। दोस्तों ये हैं गैब अली शाह जो 70 पीर और 72 वलियों के सिपह सालार हैं। गैब अली शाह की दरगाह पर नमक झाड़ू चढ़ाया जाता है, जिनको भी मस से निकल आते हैं जो बिल्कुल भी दवाइयों से भी ठीक नहीं होते, तो यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं और गैब अली शाह की दरगाह पर नमक झाड़ू चढ़ाते हैं। ये यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, देखिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर भी अर्जियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए नमक झाड़ू भी यहाँ पर रखी हुई हैं, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो नमक झाड़ू चढ़ाते हैं। साहब की दरगाह पर